ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइज, आज के इस एपिसोड में मेरे पास है आपके लिए WWE से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट, जहां पर हम बात करेंगे WWE के नेक्स्ट पेपर व्यू एक्सट्रीम रूल्स के मेन इवेंट लीक होने के बारे में, इसके अलावा ओरिजिनल प्लान्स में चेंजेस के बारे में जो कि जुड़े हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप एंड जेफ हार्डी से, और WWE के ऐसे सुपरस्टार जिनकी लंबी लूजिंग स्ट्रीक अब खत्म हो चुकी है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेफ हार्डी एंड यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक्सट्रीम रूल्स के लिए एक मैच कंफर्म हो चुका है जो कि US चैंपियनशिप के लिए जेफ हार्डी वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच। लेकिन ये WWE के ओरिजिनल प्लान्स नहीं थे, बल्कि WWE के ओरिजिनल प्लान्स ये थे कि एंड्राडे सैन एल्मेस को डाला जाएगा जेफ हार्डी के साथ फ्यूड में, जो कि चलेगी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। लेकिन बाद में जाकर WWE ने प्लान्स में चेंजेस कर दिए और शिंसुके नाकामुरा को US चैंपियनशिप की फ्यूड में डाल दिया। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है WWE की एक टैग टीम के लूजिंग स्ट्रीक के एंड होने के बारे में, और ये टीम और कोई नहीं बल्कि असेंशन है। अब आपको याद है आपने लास्ट टाइम कब देखा था कि असेंशन जीते थे? जी हाँ, ये टाइम काफ़ी पहले, यह फरवरी 2016 में, जब असेंशन ने अपना लास्ट मैच जीता था जो कि था अगेंस्ट डेमियन सैंडो एंड फैंडांगो, और उसके बाद से अब रिसेंटली लाइव इवेंट के दौरान जब उन्होंने हीथ स्लेटर एंड रैनो को हराया, तब जाकर उनकी लंबी लूजिंग स्ट्रीक अब एंड हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में लूजिंग स्ट्रीक का नाम सुनकर सिर्फ कर्ट हॉकिंस का नाम आता, लेकिन यहाँ पर असेंशन भी ऐसी टीम थी जिनकी लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी, लेकिन अब वो एंड हो चुकी है। अब देखते हैं कर्ट हॉकिंस की लूजिंग स्ट्रीक WWE कितने लंबे समय के बाद तोड़ती है। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है WWE के नेक्स्ट पेपर व्यू एक्सट्रीम रूल्स के मेन इवेंट मैच के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक्सट्रीम रूल्स के लिए WWE ने काफी सारे मैचेस अनाउंस कर दिए, और अभी भी रॉ एंड स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड आने बाकी हैं, तो हो सकता है वहां पर हमें और मैचेस एक्सट्रीम रूल्स के लिए अनाउंस होते हुए दिखाई दे। बट स्टिल हमें यहां पर ये नहीं पता कि मेन इवेंट मैच कौन सा होने वाला है एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। तो फिलहाल रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से रिपोर्ट से आई है कि जो शो का मेन इवेंट होगा एक्सट्रीम रूल्स का, वो होने वाला है बॉबी लैशली वर्सेस रोमन रेंस के बीच। और वैसे भी अगर मैच कार्ड को देखा जाए तो लगता है यहां पर WWE शायद इसी मैच के लिए सबसे ज्यादा हाई बनाना चाहेगी, और इसीलिए इस मैच को शो के मेन इवेंट में डाला जा सकता है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि आप कौन सा मैच देखना चाहते हैं एक्सट्रीम रूल्स के मेन इवेंट में। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।